नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। क्षेत्र में जहां उत्पीड़न और रेप के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में एक मामला सामने आया है। क्षेत्र के धनपुरा गांव की एक युवती कटारपुर के एक कॉलेज विद्या देवी मेमोरियल पुस्तक महाविद्यालय में 15 सितंबर 2015 से कॉलेज में पढ़ा रही थी। स्कूल में मौजूद प्रिंसिपल का लड़का मुख्य प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा हुआ था, तभी स्कूल के बच्चे से फीस इकट्ठा कर युवती मुख्य कुर्सी पर बैठे आरोपी को देने पहुंची। फीस लेने के बाद युवक ने युवती को कॉलेज के किसी जरूरी काम से हरिद्वार चलने के लिए बोला। युवती इस बात पर सहमत हो गई। युवक युवती को हरिद्वार के होटल में एक मीटिंग के बहाने ले गया। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो युवक ने युवती को जान से मारने की धमकी दी और युवती के साथ शोषण किया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं अमित कुमार नंद की इस रिपोर्ट में। क्या हुआ था? मेरे साथ में एक दिन, मैं तो वहाँ पढ़ाने के लिए जाती हूँ, एक दिन ऑफिस में गई थी जमा करने के लिए, तो उसने मुझे वहीं बिठा कर बोलने लगा कि स्कूल के काम से बाहर जाना, तो मुझे लेके चले गए एक होटल में। उसने कहा यहाँ मीटिंग है, फिर मेरे साथ उसने जबरदस्ती की वहाँ पे, ऐसे ऐसे करके उसने मुझे मेरा वीडियो भी क्लिक किया और मुझे डराने लगा, मेरे बाबा मारने की धमकी देने लगा, सब कुछ ऐसे बोल बोल मुझे डरा कर मैंने यूज किया उसने। विद्या देवी मेमोरियल उसका नाम था, मोनू भी बोलते हैं। कौन सी तारीख को स्कूल ज्वाइन किया था? मैंने सितंबर 2015 में, वो अभी से दी जा रही थी, एक से अभी से हो गया 1 महीने था। हाँ दी गई, पुलिस से ये बोल रही थी कि मैं रिटर्न कराऊंगी, दिखाई आगे मुझे डराया उसने बहुत। धनपुरा निवासी एक लड़की के द्वारा हमें प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि विद्या देवी पब्लिक स्कूल कटारपुर में वर्ष 2015 से वहाँ पर पढ़ा रही थी, और पब्लिक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर वैभव चौहान नाम का एक लड़का जो कार्यालय का काम देखता था और स्कूल मालिक का वो लड़का है, उसने जो है उसे का कहना है कि वो अपने साथ हरिद्वार ले गई और हरिद्वार में होटल में रुके, वहाँ पर उसके साथ गलत काम किया है। इस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना प्रचलित है। Thank you.